एम्ब्रोस के पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और देखती है कि उसकी टांगों पर भी बहुत अजीब से निशान हैं। सडनली मिस एम्ब्रोस आंखें खोलती है और उसके मुंह से अजीब सा ब्लड टाइप स्टिकी लिक्विड निकलता है, जिसे देखकर एली बुरी तरह घबरा गई थी। वो टिश्यू से उसे साफ करती है कि तभी उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही थी। वो चेक करने के लिए बाहर जाती है जहाँ दूर खड़ी सैडी उसे देख रही थी। रात को बाहर बैठे उसे फिर से अपनी मॉम की आवाज आती है, मगर वो इग्नोर करके अंदर चली जाती है। उसके बाद वो एम्ब्रोस को देखने जाती है जहाँ बैठे उसकी आंख लग गई थी। तभी एम्ब्रोस के मुंह से डीमन का हाथ निकलकर एली के मुंह में जाने लगता है, मगर तभी फोन रिंग होता है जिससे एली की आंख खुल जाती है और वो हाथ गायब हो चुका था। फोन पर बैठ थी जो एली का हाल पूछती है। अचानक कोई चीज खिड़की पर आकर लगती है। बाहर चेक करने पर उसे दरवाजे के सामने एक सेब पड़ा दिखाई देता है, जिसके साथ एक अटैच नोट में एली को वहाँ से चले जाने के लिए वॉर्न किया गया था। एली सेब को उठाकर देखती है तो उसमें से मैगट्स निकल रहे थे, जिस पर एली वहाँ पुलिस ऑफिसर को बुला लेती है जो कहता है कि शायद किसी बच्चे ने शरारत की होगी। साथ में वो ये भी बताता है कि इस जगह के बारे में बहुत सी वियर्ड बातें फेमस हैं, मगर मैं उन्हें सिर्फ सुपरस्टिशंस मानता हूँ। उसे लगता है कि शायद एली एम्ब्रोस की बेटी डोरोथी की केयर के लिए वहाँ है, क्योंकि उसके ख्याल में मिस एम्ब्रोस मर चुकी थी। मगर एली उसे बताती है कि मिस एम्ब्रोस जिंदा है मगर बहुत बीमार, एंड देन ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जॉगिंग करते हुए एली जंगल में सैडी को देखती है, मगर सैडी उसकी किसी बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से भाग जाती है। एंड देन बेथ कॉल पर एली को बताती है कि वो एल्मा के बारे में इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो उसे काफी वीर लगी थी। और साथ ही वो एली को अपना ख्याल रखने और अलर्ट रहने के लिए कहती है। उस रात ब्रश करते हुए एली को ग्राउंड फ्लोर से कुछ अजीब आवाजें आती हैं, एंड देन सोते में भी किसी आवाज से एली की आंख खुल जाती है और वो चेक करने के लिए मिस एम्ब्रोस के पास जाती है तो उसे दरवाजे के बाहर से विस्परिंग सुनाई देती है, जैसे कोई स्पेल पड़ रहा हो। यहाँ हम एम्ब्रोस के मुंह से फ्लाइज भी निकलती हुई देखते हैं। एली को लगता है कि शायद अंदर डोरोथी है, मगर वहाँ कोई भी नहीं था, जिससे एली बुरी तरह घबरा जाती है। देन अगेन सोते में उसे अपनी मॉम का सपना आता है, जो इसी घर के बाहर पेड़ से लटक कर एली को एप्पल्स मारते हुए कह रही थी कि वो उसे नहीं छोड़ेंगी। डर से एली की आंख खुल जाती है। तभी उसे अपनी टांगों पर कुछ निशान भी दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ बेथ के डैड मिस एम्ब्रोस और डोरोथी के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं, मगर उन्हें एल्मा के बारे में कुछ पता नहीं चलता। किसी ने भी उसका नाम तक नहीं सुना था। वो बताते हैं कि उस जगह के बारे में बहुत वियर्ड बातें फेमस हैं, इसलिए तुम्हें एली को फौरन वहाँ से निकाल लेना चाहिए। उधर एली से मिलने मैरिलिन और उसकी बेटी सैडी आते हैं। मैरिलिन सैडी को एली से अपोलोजाइज करवाने के लिए लाई थी, क्योंकि उसी ने ही उस रात एप्पल के साथ वो नोट फेंका था। मैरिलिन एली से कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें बस स्टेशन तक छोड़ देती हूँ। वो ये भी कहती है कि एम्ब्रोस असल में मर चुकी है, अब अंदर रूम में सिर्फ एक डीमन है। एली को उसकी बात पर यकीन नहीं आता तो मैरिलिन बोलती है कि मैंने ही उन दोनों को एक साथ हेल में कैद किया था। अब डोरोथी अपनी माँ को वहाँ से निकालना चाहती है, मगर इसके लिए उन्हें एक यंग बॉडी चाहिए जो कि तुम हो। उन्होंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है, मगर एली सब पर बिलीव ना करते हुए पुलिस को बुलाने की धमकी देती है और बोलती है कि तुम्हारी बेटी ने मेरा फोन चुराया है। जिस पर मैरिलिन कहती है कि मेरी बेटी चोर नहीं है, वो तुम्हें वार्न करने आई थी। एली पूछती है कि ये बोलती क्यों नहीं। तभी सैडी अपना मुंह खोलकर दिखाती है कि उसकी टंग नहीं है। ये देखकर एली को बहुत बुरा फील होता है। दूसरी तरफ बेथ लाइब्रेरी जाकर मिस एम्ब्रोस के बारे में सर्च कर रही होती है। मैरिलिन एली को बताती है कि सैडी की टंग पैदाशी नहीं थी, डॉक्टर्स का कहना था कि वो वॉर्म के अंदर ही च्यू हो गई, लेकिन मैं जानती हूँ कि जिसने भी वो खाई वो अभी भी सैडी के अंदर है, मतलब के डीमन। एंड वो बताती है कि एक बार मेरा हस्बैंड थॉमस डोरोथी के प्यार में पड़ गया था और फिर जब उसने डोरोथी को छोड़ा तो वो दुखी होकर इस जगह से भाग गई। देन पीछे मिस एम्ब्रोस ने बदला लेने के लिए थॉमस और उसके होने वाले बच्चों पर स्पेल कर दिया, इसलिए सैडी ऐसी पैदा हुई, अकर्स्ड। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में एल्मा बेथ पर नजर रखे हुए थी। वो मिस एम्ब्रोस और डोरोथी की हिस्ट्री पढ़कर बुरी तरह घबरा गई थी और अब वो जान चुकी थी कि एल्मा ही असल में डोरोथी है। एली को स्पेल और ब्लैक मैजिक पर बिलीव नहीं था तो मैरिलिन कहती है कि हमें भी पहले यकीन नहीं आता था, लेकिन हमारी दूसरी बेटी लिली पैदा होने के हफ्ते बाद ही मर गई। थॉमस सबके लिए खुद को ब्लेम करता था, सो उसने भी यहाँ इसी पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी और फिर हमने मिस एम्ब्रोस से अपना बदला लिया, मगर वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, हम जल्द ही इस घर को जला देंगे। एंड देन वो एली को दोबारा वार्न करते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बेथ हॉस्पिटल से पता करती है कि क्या एम्ब्रोस नाम की कोई पेशेंट चेक इन करने वाली है, मगर उसे पता चलता है कि इस नाम की कोई बुकिंग नहीं। बेथ ये सुनकर वरिड होकर फौरन एली के पास जाने के लिए निकलती है। वो बार बार एली का फोन भी ट्राई कर रही थी मगर वो पिक नहीं करती। उधर एली को अगेन अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए मिस एम्ब्रोस के रूम में जाती है मगर वहाँ कुछ नहीं होता। देन किचन में एक्सीडेंटली उसे फ्लोर पर सीक्रेट दरवाजा दिखाई देता है जिस पर वियर्ड सिंबल्स बने थे। एली वहाँ से बेसमेंट में जाती है जहाँ उसे बहुत से डिमोनिक सिंबल्स और स्पेल्स रिलेटेड चीजें मिलती हैं। उधर वो बुक भी थी जिसे टाइटल्स में दिखाया गया था, उसमें उन सब लोगों की फोटोज थी जिन पर एम्ब्रोस ने स्पेल कास्ट किए थे। वहाँ एली को अपने डैड की फोटो भी नजर आती है, मतलब उसकी मॉम ने उन पर भी स्पेल करवाया था। वहाँ एली को एक ब्लड वायल भी मिलती है जिस पर उसका नाम लिखा था, जो की गलती से नीचे गिरकर टूट जाती है। एली जल्दी से ऊपर जाकर बेथ को कॉल करने की कोशिश करती है मगर फोन नहीं मिलता, और उधर बेथ को एली का फेक मैसेज मिलता है कि वो एम्ब्रोस के घर से वापस आ गई है, जिससे बेथ सेटिस्फाइड होकर अपनी गाड़ी रस्ते से ही टर्न कर लेती है। एली को गेन कुछ आवाजें आती हैं और वो एम्ब्रोस के रूम में जाकर उसकी गर्दन चेक करती है जिस पर वो क्रॉस का निशान बना था। अब एली को मैरिलिन की सभी बातों पर यकीन आ चुका था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर दरवाजा लॉक था। तभी बेड के नीचे से एली की मॉम का भूत निकलकर उसे हॉन्ट करने लगता है और फिर एम्ब्रोस के मुंह से डीमन का हाथ निकलकर एली की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ बेथ जब एली के घर पहुँचती है तो वहाँ एल्मा यानी डोरोथी थी जो उसे चाकू से स्टैब कर देती है, मतलब एली का फोन उसके पास था। बेथ भी उस पर वाइन बोतल से अटैक करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर डोरोथी पीछे जाकर उसे पकड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में हम एली को देखते हैं जो किसी तरह बचकर रूम से बाहर आ गई।
गई थी। तभी वहाँ वही पुलिस ऑफिसर आता है जिसे खबर मिली थी कि मैरिलिन इस जगह को जलाने वाली है। एली उसे बताती है कि मिस एम्ब्रोस मर चुकी है, लेकिन ऑफिसर बिलीव नहीं करता क्योंकि अंदर से आवाजें आ रही थी, और वो एली के मना करने के बाद भी उस रूम में चला जाता है जहाँ डीमन उसे मार डालता है। एली अंदर जाकर देखती है तो वो डीमन उसे खा रहा था। वो डरकर बाहर भागकर दूसरी ऑफिसर से हेल्प मांगती है। तभी बैथ अचानक से वहां आकर अपनी गाड़ी से उस ऑफिसर को टक्कर मार देती है जिससे उसकी डेथ हो गई थी। एली जख्मी बैथ को गाड़ी में से निकालकर बाहर जमीन पर लिटाती है, लेकिन तभी मूवी में एक ट्विस्ट आता है। असल में वो डोरथी थी जिसने बैथ की फेस की स्किन का मास्क पहन रखा था। वो पीछे से एली को मारकर बेहोश कर देती है। आंख खुलने पर एली खुद को बंधा हुआ पाती है और डोरथी उसका ब्लड निकाल रही थी। साथ ही वो एली को बताती है कि तुम बचपन में अपनी मॉम के साथ यहाँ आई थी, उन्होंने अपने हस्बैंड पर स्पेल कास्ट करवाना था मगर पैसे ना होने की वजह से उसने हमें तुम्हारा ब्लड देकर पे किया जिसे मेरी मॉम ने जरूरत के वक्त के लिए रखा था, लेकिन तुमने उसे जाया कर दिया, इसलिए मैंने दोबारा तुम्हारा ब्लड लिया है। तुम्हारी मॉम जानती थी कि यह वक्त जरूर आएगा, इसलिए उसने गिल्टी होकर अपनी जान ले ली थी। एली उसे पूछती है कि तुमने बैथ को क्यों मारा, मगर डोरथी उसे दोबारा बेहोश कर देती है। अब की बार होश में आने पर वो खुद को एक इन्वर्टेड पेंटाग्राम में लेटा हुआ पाती है जहां साथ में मिस एम्ब्रोस भी थी और डोरथी कोई रिचुअल परफॉर्म करने वाली थी। एली उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा मत करे, मगर डोरथी उसके मुंह में बैथ की फेशियल स्किन डाल देती है एंड देन वो बुक में से स्पेल पढ़ने लगती है जिसके बाद मिस एम्ब्रोस की बॉडी को चीर कर डीमन बाहर निकल आता है। डोरथी भी ये देखकर घबरा गई थी क्योंकि वो तो अपनी मॉम को जिंदा करना चाहती थी, मगर इससे पहले कि डीमन एली के अंदर जाता मैरिलिन वहां पहुंचकर डोरथी को मार देती है और फिर बुक में से स्पेल पढ़कर डीमन को एली से दूर हटाती है जिस पर वो डीमन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मगर तभी एली खुद को छुड़वाकर डीमन की बैक पर चाकू से क्रॉस का निशान बना देती है जिससे वो तड़पने लगता है। इतनी देर में सैडी भी वहां आकर डीमन को आग लगा देती है जिसके बाद वहां सब कुछ तेजी से जलने लगता है। वो तीनों भागकर बाहर निकल जाती है। एली की मॉम का भूत भी अंदर ही जलकर खत्म हो गया था। देन डीमन डोरथी की बॉडी की तरफ बढ़ता है और साथ ही दरवाजा बंद हो गया था। नेक्स्ट सीन में एली अपने मॉम की फेवरेट सीढ़ी को तोड़कर उनकी ग्रेव के पास रख देती है एंड देन हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहां बर्न वार्ड में जाने पर उसे सामने डोरथी दिखाई देती है जो कि एली की मॉम का फेवरेट सॉन्ग गा रही थी और सब पेशेंट्स वहां पर हैंक थे, मतलब डोरथी तब मरी नहीं बल्कि बेहोश हुई थी और वो डीमन अब उसके अंदर था। ये देखते हुए एली बुरी तरह शॉक होकर चीख